क्यों इतना नाच रही है? बैटरी निकल गई थी बचपन में, डांस थमना रहा था रहा। ओ, ओ, ओ। हैं? और यहाँ किसकी तबीयत खराब है जो बिल्कुल बाढ़ बाय नर्स डॉक्टर सब घुसे चले आ रहे हैं, अस्पताल बन रखा है। तू बीमार है? नहीं 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 मैडम, मैं तो एकदम ठीक हूँ और अब तो और भी ठीक हूँ। अच्छा तो क्या ये बुढ़ाऊ के दिन नजदीक आ गए? Well, not at all is the, इस नर्स के हैं गोरे गोरे गाल is the. पोपले आया आया। अपने लटके हुए गालों पे नजर दे ले थोड़ी सी, बुढ़ापे के ब्यूटी कंटेस्ट के विजेता। छोरियों में ज्यादा मन लगाने की जरूरत ना है। कैरी ऑन। मुझे FIR लिखवानी है मैडम, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। Well, who the you the is the, I daily eat बादाम के साथ पिस्ता। मैडम मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और अलीगंज में मेरा नर्सिंग होम है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। भाई अंकल आंटी जो हैं थारे अम्मा बापू हैं, नाम वाम कुछ रखा है या पालने में रख के भूल गए तैने, हम ही करें यहाँ नामकरण? अरे मैडम डॉक्टर साहब के तो बहुत सारे नाम हो रही है, सोमवार को बताऊंगा। सोमवार को क्यों बताओगे, आज आए हो अभी बताओ। हाँ तो ठीक है आज बता दूंगा, उसमें क्या। अरे कुछ नहीं होता, डॉक्टर साहब की जो बीवी है ना वो इन्हें मुन्ना कह के बुलाती है, और इनकी जो पड़ोसन है ना वो इन्हें जानू कह के पुकारती है, और जो पिछली नर्स थी हमारे अस्पताल में वो इन्हें जुल्मी कहती थी, जुल्मी। तो इनकी बीवी को पता लग गया, बेचारी नर्स की नौकरी चली गई मैडम। बाकी सोमवार को बताऊंगा। लल्ला इधर आ। ये इसकी तो आदत है। टिप अच्छी थी। थोड़े से पूछिए किसी ने, चुपचाप खड़ा रहे। हाँ 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 मैडम, मेरा नाम है डॉक्टर मनमोजी चौरसिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और मैं हो रहा हूँ इनके अस्पताल का वार्ड बॉय, नाम हो रहा है छिछोरा। और ये नाचे मयूरी, हर नर्स की पहन रखी कस्ट्यूम, वैसे तभी ऐसे सकीरा और ये बिल्कुल बक्का बक्का करेंगी यहाँ। मैडम मेरा नाम है बबीता फ्रॉम हल्द्वानी, मैं हूँ डांस की दीवानी। ठुमका कैसा लगा? अच्छा है। हाय हाय। वैसे तो मैडम मैं नर्स हूँ, लेकिन मुझे डांस करने का बड़ा शौक है, क्यों डॉक्टर? हाँ हाँ मैडम, क्या है कि मेरा एक उसूल है कि मरीजों को दवाई के साथ अगर एंटरटेनमेंट भी दिया जाए तो उनकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसलिए मैडम मैंने इनको देखा प्लेटफॉर्म पे डांस करते हुए, मैंने इनको हायर कर लिया। देखो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी मैटर है, मतलब मफलर है या स्वेटर है, वो जरा खुल के उधेड़ो। मेरा मतलब है खुल के मैडम को बताओ कि FIR लिखवानी किसके खिलाफ है, वरना एक बार मैडम के दिमाग का पक गया पास्ता फिर नहीं बचेगा कोई रास्ता, और अगर मैडम को गुस्सा आ गया तो हमारी मैडम एक नंबर की गुस्से का गुलकंद, मेरा मतलब है अत्याचार का श्रीखंड, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम एक्चुअली क्या हुआ कि दो लड़के मेरे अस्पताल में आए, एक ने कहा कि मुझे सर्दी है और दूसरे ने कहा कि मुझे जुकाम है यानी कि बुखार है, तो मैंने दोनों को इमीडिएटली अस्पताल में एडमिट कर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तने सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज के लिए दोनों लोगों को एडमिट कर लिया अस्पताल में? मैंने उन दोनों को एक पैकेज दिया कि आप दोनों दोस्त हो तो एक ही रूम में रह लो। हा? देखो जब तक आप लोग ठीक महसूस ना करो तब तक आप लोग वहीं पे रहो। हाँ देखो ज्यादा पैसे भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपए भर दो और वहीं पे रहो। हाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब मैडम मैंने सोचा कि 2 या 3 दिन में वो लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मैडम आज 6 महीने हो गए वो लोग वहीं पे टिके हुए मैडम। हाँ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे मैडम, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सारा दिन ताश खेलते रहते हैं, मजे लूटते रहते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सर्दी जुकाम बुखार के लिए 6 महीने तक टिके हुए? हाँ जबकि वो ठीक हो चुके हैं। ठुमका कैसा लगा? टू गुड। हाय हाय।
वो दोनों कोई बीमारी मारना है, बिल्कुल सही है। छह महीने से जो है 50,000 रुपए देकर खूब ही जो है आराम से मजे ले रहे हैं, तुम्हारी एसी की हवा खा रहे हैं, फ्री का खाना खा रहे हैं। और मन ने यो दिखे कि ऐसा ही चलता रहा तो एक आध साल वहीं टिके रहेंगे। ए छिछोरे, दोनों को जरा लेकर आ थाने में, उनकी तबीयत तो मैं हरी करती हूँ। ओके मैडम, लेके आओ। दादाजी आप बिल्कुल मेरी तरह हो रही हैं। छिछोरा, आइए आइए। अरे 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 ध्यान से छिछोरे। हाँ हाँ ध्यान दे रहा हूँ मैं। मैडम ये हो रही है वो दोनों मरीज, तुमको तो सोमवार को बताऊंगा। हाँ भाई, ओए तुम दोनों हो रहे हो वो मरीज हैं, जो डॉक्टर मनमोहन जी के जो है अस्पताल में ऐसे जम गए 6 महीने से जैसे अपनी ससुराल में मर रहे हो। क्वाक 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 क्वाक। खूब खाना पेल रहे हो दबा के बढ़िया वाला, और खूब जो है डांस वांस देख रहे हो उसका के नाम रहा छोरी का नर्स जो है अपनी बबीता। आयो यो यो। कैरी ऑन। वैसे यार ये बबीता जो है वो डांस करती कैसा है? नहीं मतलब डांस तो हमने भी देखा है, लेकिन मतलब रोज सेम डांस करती है कि कुछ वैरायटी देती है डांस में, मतलब अलग। वेल व्हाट इज द नेम इज द मथुरा में है ट्रैफिक जैम इज द जी। देखिए मेरा नाम है टिल्लू, तबीयत ढीली है। और मैडम हमें बिल्लू बुखार चढ़ गया। अबे गोदी के, मैं अगर आ गई ना अपनी पे तो तबीयत मैं कर दूंगी टाइट और बुखार दूंगी मैं उतार, समझे? वो भी एक ही रेप्टे में दोनों को। मैडम हमने डॉक्टर चौरसिया से ना एक डील साइन की थी जो उन्होंने हमें खुद दी थी कि जब तक हम अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक महसूस ना कर लें उस वार्ड में रह सकते हैं, वहाँ का खाना ठूस सकते, मेरा मतलब वहाँ का खाना पीना खा सकते हैं। बुखार चढ़ गया मैडम। क्यों टिल्लू? हाँ बिल्लू तबीयत ढीली है। Well, तुम देखते हो नाचिसदा और रोज खेलते हो ताशिसदा। अरे तो इसमें क्या हुआ दादाजी? मैडम एक बात बताएं, हमारे पास पैकेज है, डॉक्टर चौरसिया ने एक कागज साइन किया है जिसमें ये सब लिखा हुआ है कि जब तक हम ठीक ठाक ना हो वहाँ रह सकते हैं। और मैडम एक बात बताइए, हमने 50,000 रुपए भी तो दे दिए हैं जिसमें ये सब लिखा है, और हमें चाहकर भी वो डॉक्टर उस अस्पताल से निकाल नहीं सकता, क्यों टिल्लू? हाँ बिल्लू ऐसा है, डॉक्टर तुम्हें अस्पताल से निकालेगा नहीं निकालेगा वो बात दीगर है, मैं जो है दुनिया से निकाल दूंगी दोनों को, गोदी में आया एक। आप हम पर खामोखा शक किए जा रही हैं, हम तो मैडम मरीज हैं, पर वो डॉक्टर ना हमें जबरदस्ती अपने वार्ड से निकालना चाहता है। बुखार चढ़ गया मैडम। अच्छा चलो ठीक है निकलो, लेके जाए ना। चल चिचोरे, चल भाई, चल 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 चल। रास्ते में नदी आती है, दोनों को डाल दूंगा वहीं। अरे उस नदी के पास ले चल। हाँ थोड़ा वो वड़ा पाव खाऊंगा मैं, आज तो भजिया खाऊंगा मैं। पांडे जी नमस्कार, कैसी हैं आप? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारे चेयर पर क्या कर रही हैं? One quick question, क्या आपको हमारे से प्रेम है? पांडे जी, हैं? Do you love me? Yes. तो बताइए 12 महीने मन ने कैसे दिखाएंगे अपना प्रेम? आने दो आज मम्मी जी को, मैं बताऊंगा मम्मी जी को देखना। अभी क्या? मम्मी जी ये रो क्यों रहा है? मम्मी जी वो क्या हो गया? अबे रो मत गोपी, 500 रुपए चाहिए ना, वो ठाकुर साहब से उसने पैसे लिए थे, 500 रुपए ना उसके मुंह पे मार के आना, ठाकुर की हिम्मत कैसे भी तुझे फोन करने की। ये ले ये ये समझे ना, समझ जा ना। ओ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके मुंह पर मारना गोपी, मुंह पे मारना।
ये सर, शायद एक केस के सिलसिले में मन ने आपकी मदद की जरूरत हो सर। तो कहिए ना, हमने आपको भी मना किया जो आज करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। समझाइए ना सर, अभी इन्वेस्टिगेशन चल। समझाइए ना, हम अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे। गोपी को पैसे देते वैसे नहीं, उससे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करिए, हम उसके बारे में आपसे बाद में बात करते हैं। सर आर यू ऑन समथिंग? सॉरी सर। पांडे जी, ये क्या है यार? मतलब लड़का लड़की को कार में घुमाता ये तो सुना था, लड़का लड़की को बाइक पे घुमाता ये भी सुना था, कि लड़का लड़की को व्हील चेयर पे घुमाता ये पहली बार देख रहा हूँ। इसे क्या हो गया, व्हील चेयर पे कैसे आ गई हो? मैडम मैं हूँ बबीता फ्रॉम हल्द्वानी, जो है डांस की दीवानी। उन टिल्लू बिल्लू की वजह से मैं व्हील चेयर पे आ गई। ठुमका कैसा लगा? आज ठंडा है। Well, baby, what is the matter? Is the can I send you love letter? Is the carry on? अबे तू बोल, क्या हुआ है? सोमवार को बताऊंगा। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। ये जो है ना, इसको वो दो मरीज नहीं लेके आया था मैं, एक व्हील चेयर पे, जो उन दोनों ने इतना नचाया, इतना नचाया, इतना नचाया, इतना नचाया। ओह कितना नचाया यार? अरे इतना नचाया, इतना नचाया मैडम, इतना इतना नचाया कि नाचते नाचते ये गिर पड़ी और इसके पैर में चोट आ गई। oh, no. तो तब से ये व्हील चेयर पे चल रही है। अरे तू नाच क्यों ली लेकिन इतना है? थारा रिमोट उनके हाथ में था जो पोज का बटन ना दबाया उन्होंने। मैडम मैंने बताया ना, मैं हूँ बबीता फ्रॉम हल्द्वानी, जो है डांस की दीवानी। मैडम उन दोनों को कुछ ना कुछ सबक सिखाइए। ठुमका कैसा लगा? आज ठंडा है। हाँ मैडम मैं भी बहुत परेशान हो गया उन दोनों से, जब देखो तब मुझे बुला के मालिश करवाते रहते हैं मुझसे। मैं बहुत छिछो रहा हूँ, किसी दिन हड्डी चटका दूंगा मैं, फिर मेरे खिलाफ FIR मत लिखना आप, बाकी सोमवार को बताऊंगा। बालको ईव टाइम आ गया है कि हम लगाएं अस्पताल का एक चक्कर। ये मेरा हुक्म का इक्का। मजा आ गया ना यार ऐसा पैकेज डील करके, तब ये डील ही है। क्यों बिल्लू? हाँ यार टिल्लू, क्या सॉलिड बेवकूफ बनाया ना डॉक्टर चौरसिया को अपन ने, पैकेज डील कर ली वो भी 50,000 में। अब उसको लगा कि हम 2-3 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, पर वो क्या जाने कि हम महा घाघ हैं। पर यार ये गड़बड़ हो गई, लगता हमने उस नर्स को कुछ ज्यादा ही नचवा दिया। वो बेचारी व्हील चेयर पे आ गई है, अब हमें कौन नाच दिखाएगा, कौन नाचेगा हमारे लिए, तबीयत ढीली है। अरे यार वो कमजोर नर्स थी, अभी दूसरी देखो। भाई नाच देखने का घना शौक है इन्हें, चलो इनका शौक पूरा करें। डॉक्टर साहब आइए आइए। डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपको देख के अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि आपको चाय पीनी है और आपको समोसे भी खाने हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपको भजिए भी खाने, क्योंकि आप एक भजिया खोर टाइप के आदमी है। सब मंगाऊंगा आपके लिए, चाय समोसे भजिए सब मंगाऊंगा आपके लिए, आप घबराइए मत। आ रहे। अबे मुफ्त खोर, ठूसना तैने बिल जो है डॉक्टर पे फाड़ रहा है तू। वो डॉक्टर साहब थोड़े भूखे से लग रहे थे इसलिए मैंने। वेल मॉम, डॉक्टर चौरसिया कम इज द, इनको है बहुत गम इज द। ए बुढ़ाओ अभी ये जरा इज द ज्यादा हो रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, हमारा पेशेंस ट्राई मत कर तू, मैं बहुत दिन से शांत बैठी हूँ। कैरी ऑन। अब हाय कैरी ऑन तो मैं दोबारा सुन ना लूं इस चौकी में। Well, क्या ये बेल और ये वो? तो मैं कुछ ना बोलूं? हाँ तो नहीं बोलना भाई, तो मैं कह रही हूँ भाई, मारा पॉइंट है, क्यों बोलना है इतना? जगह You talk too much for your age, चुप रहा कर।
ये कैरी ऑन। वाओ 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 वाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तुम्हारे अस्पताल गए थे हम, थारे वो जो दो मरीज है ना, उनको देख भी आए और उनकी बातें भी सुना है। मैडम तो अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो दोनों बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं? यस। और अस्पताल में कब्जा जमा के बैठे हैं? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वेल ब्रो, हमें आ गया यकीन इस द चाय के से? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैडम, कोई तो रास्ता होगा उन्हें अस्पताल में से बाहर निकालने के लिए? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है भाई। रास्ता भी निकालेंगे, उन्हें थारे अस्पताल से भी निकालेंगे, उनको लॉकअप में भी डालेंगे, मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन वो सब करने से पहले एक हमारे साथ एक दुखद घटना घटी है। हमारी चौकी का एक बहुत ही जो है नालायक, बेकार, नाकारा किस्म का एक कर्मचारी भाई, उसका देहांत हो गया है। और बहुत ज़्यादा दुख नहीं है बिकॉज ही वॉज यूजलेस, लेकिन सिंस वी हैव मैनर्स ऑल ऑफ अस, तो हम एक दो मिनट का शांत करेंगे, मौन करेंगे उसकी आत्मा की जो है शांति के लिए। एक्चुअली आई एम नॉट हैबिचुअल अस्पताल, काफी लोग। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। ऑफ कोर्स मैडम। वैसे मैडम, ये कौन आदमी है जिसकी आत्मा की शांति के लिए हम ये मौन रख रहे हैं? इट्स यू मैन। मैन मैं तो जिंदा हूं ना। अरे तू जिंदा और मरे में कितना टाइम हो गया, अलग अलग कितना टाइम लगता है? हाँ भाई, भाई जो आदमी जिंदा है वो दो तीन मिनट में मर भी सके, क्योंकि आइडिया वाइडिया आजकल आते ना है उसके दिमाग में। सो ही इज बेसिकली यू नो फॉर मी ही इज यूजलेस। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला बंटू बंटीला आइडिया। तो कब देगा आइडिया, कब देगा बे, कब? हाँ तो आप दीवार के पीछे तो आइए, सुनिए। You are a terrorist. Terrific. Yeah, this one. डॉक्टर साहब, अब आप जाइए अपने अस्पताल में और वहां एक असेंबली बिठाइए और उन सबसे कहिए कि आपके जो अस्पताल का स्टाफ है वो चेंज हो रहा है। What?